नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी को एग्रीकल्चर स्टडी अड्डा में। और दोस्तों, ये बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर था आज, प्रिंसिपल्स ऑफ सीड टेक्नोलॉजी का, दोस्तों उसका फुल आंसर की या पेपर सोल्यूशन जिसको बोला जाता है, वो आ चुका है अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आप लोग पेपर मिलाने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और अपना बारी बारी से मिलाते रहें। मेरे पास 20 सीरीज का प्रश्न पत्र है, आप लोग अपने प्रश्न पत्र के अनुसार मिला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब मिलाते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न क्या था? पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस परीक्षण के परिणाम जीवित ऊतक के अभिरंजन पैटर्न पर निर्भर करते हैं? दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी नमी परीक्षण, ठीक है। यानी एक नंबर प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी। और दो नंबर का दोस्तों क्या होगा? किसी उन्नतशील प्रजाति के आरंभिक मुट्ठी भर बीज को कहा जाता है दोस्तों, इसको दोस्तों कहा जाता है नाभिकीय बीज, यानी ऑप्शन ए। और दोस्तों नंबर तीन का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी दोस्तों भ्रूणकोष, ठीक है। यानी दोस्तों पहले प्रश्न पढ़ते हैं, एक बीजपत्री में भंडारण का क्या होता है दोस्तों? भ्रूणकोष होता है, ठीक है। यानी तीन नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। और चार नंबर पे देखते हैं दोस्तों, चार नंबर में है डोकेज है दोस्तों, व्हाट इज डोकेज? तो दोस्तों डोकेज जो है आपका, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी, ठीक है। अक्रिय पदार्थ प्लस शुद्ध बीज, और केवल अक्रिय पदार्थ और अक्रिय पदार्थ प्लस बीज। दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि बीज में किसी तरह का अगर मिला हुआ हो अक्रिय पदार्थ, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे डोकेज, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, आगे है पाँच नंबर में पूछा गया था आप लोगों से, वह बीज जिनको दबाने पर मुलायम प्रतीत होते हैं कौमा गंदा पानी छोड़ते हैं, दोस्तों क्या कहलाते हैं? मृत बीज, ठीक है दोस्तों। यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। और आगे बढ़ते हैं, आगे है छः नंबर में, जब बी लाइन का पौधा मादा पंक्ति में पाया जाता है तो इसे कहा जाता है दोस्तों? इसे कहा जाता है पोलन सेडर, यानी ऑप्शन ए छः नंबर का सही उत्तर हुआ। और सात नंबर का देखेंगे दोस्तों, सातवां नंबर में पूछा गया था डी टेस्लिंग संबंधित है दोस्तों, ये मक्का से संबंधित है दोस्तों, यानी इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा सात नंबर का। और आठ नंबर का दोस्तों, बीज के ह्रास की दर जैसे जैसे बढ़ती है बीज की नमी की मात्रा क्या होती है दोस्तों? ये भी इंक्रीज होती है, ठीक है दोस्तों। यानी इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, बढ़ती है। और दोस्तों आगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भंडारण के समय बीज की आयु काल को प्रभावित करता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी दोस्तों उपयुक्त समय, ठीक है। और आगे है दस नंबर में, वह रसायन जो संक्रमण होने से पूर्व उपयोग किया जाता है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? उसको रक्षक कहते हैं, यानी दोस्तों दस नंबर का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए। और ग्यारह नंबर देखते हैं, ग्यारह नंबर में है केंद्रीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला स्थित है, कहाँ स्थित है दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी दिल्ली में, यानी ग्यारह नंबर का ऑप्शन सी सही उत्तर हुआ। और बारह नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा बीज उत्पादन के लिए पब्लिक सेक्टर संगठन नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी महाराष्ट्र सीड कंपनी लिमिटेड, ठीक है। और आगे है दोस्तों तेरह नंबर में, किसी फसल की किसी प्रजाति का वह बीज जिसका उपयोग तब तक करते हैं जब वह प्रजाति पूर्ण रूप से नष्ट न हो जाती हो कहलाता है, क्या कहलाती है दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कैरी ओवर बीज, ठीक है। और आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बीज संसाधन का भाग नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी दोस्तों बीज उत्पादन। और आगे है, नीले रंग का टैग किसके बैग पर लगा होता है? तो दोस्तों प्रमाणित बीज पे लगा होता है, यानी सर्टिफाइड सीट पे, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा पंद्रह नंबर का। और आगे है सोलह नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी लाइन पर नर बंध्यता को संरक्षित करती है दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी बी लाइन, ठीक है। सोलह नंबर का ऑप्शन बी हुआ। और सत्रह नंबर का दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी आइसोजेनिक लाइन है? तो सत्रह नंबर का आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी ए एवं बी लाइन, ठीक है। और अठारह नंबर को देखेंगे, अठारह नंबर में ए क्रॉस आर के संकरण से जो बीज प्राप्त होता है कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? दोस्तों अठारह नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी प्रमाणित बीज कहलाता है, ठीक है। और उन्नीस नंबर देखेंगे, उन्नीस नंबर में है, मक्का के द्विशंकर को विकसित करने में कितनी अंतर प्रजात लाइनों का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो इसमें चार लाइनों का उपयोग किया जाता है, ठीक है, इसलिए उन्नीस का डी सही उत्तर हुआ। और आगे है बीस नंबर में, ज्वार के संकर बीज का उत्पादन करने के लिए किस प्रकार के नर बंध्यता का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कोशिका द्रव्य अनुवांशिक नर बंध्यता, 20 नंबर का ऑप्शन बी सही उत्तर हुआ। और दोस्तों आगे देखेंगे, नर बंध्य पौधों को किसके साथ संकरण करके स्थायी रूप से उर्वर बनाया जाता है दोस्तों? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी बी लाइन द्वारा, यानी 21 नंबर का बी उत्तर सही हुआ, ऑप्शन बी वाला। और दोस्तों आगे है 22 नंबर में, सरकारी किसी संकरण की न्यूनतम अनुवांशिक शुद्धता क्या होती है दोस्तों? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी 98%, ठीक है। और आगे है दोस्तों 23 नंबर में, 2-3-5 ट्राइफेनिल टेट्राजोलियम
क्लोराइड का रंग होता है दोस्तों कैसा होता है, इसका दोस्तों रंग होता है आपका नीला, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हुआ, ठीक है। और दोस्तों आगे देखेंगे ओडीवी का तत्पर्य है दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी ओदर डिस्टिंग्विशिंग वैराइटीज, ठीक है, डिस्टिंग्विशिंग ये होगा चलो इसका ऑप्शन ए वाला सही उत्तर होगा, यानी दोस्तों अदर डिस्टिंग्विशिंग वैराइटीज होगा ओडीवी का तात्पर्य, ठीक है। और आगे देखेंगे वह पौधा जो बीज उत्पादन करने वाली प्रजातियों के लक्षण से भिन्न होता है क्या कहलाता है, 25 नंबर का दोस्तों सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी रोगी कहलाता है। और आगे देखेंगे ऑप्शन बी सही उत्तर हुआ आपका 25 नंबर का। और 26 नंबर का है दोस्तों सीड पेरेंट एवं पोलन पेरेंट के साथ पुष्पन होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी निकिंग कहलाते हैं, ठीक है। 26 नंबर का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी। और 27 नंबर को देखते हैं, इसमें है निम्नलिखित में से किसको सीड पेरेंट भी कहा जाता है दोस्तों, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी ए लाइन को कहा जाता है, ठीक है। और 28 नंबर का दोस्तों सही उत्तर हुआ आप लोगों का ऑप्शन ए, ठीक है, यानी दोस्तों यहाँ पे जो खाली स्थान दिख रहा है इसमें क्या भरेंगे, कम भर देंगे, ठीक है। 28 नंबर का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए, क्योंकि प्रश्न बहुत लंबा है, भरेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। और आगे देखेंगे धान में संकर बीज उत्पादन करने के लिए मादा एवं नर पौधों का अनुपात क्या होता है दोस्तों, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी 8:2, ठीक है। और आगे है धान में रोगिंग करनी चाहिए दोस्तों, कब करनी चाहिए, इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, यानी दोस्तों परिपक्वता की अवस्था में। और आगे है 31 नंबर में गेहूं के शुद्ध वंशक्रम प्रजाति का बीज उत्पादन करने के लिए अलगाव दूरी रखनी चाहिए दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी 3 मीटर, ठीक है। और दोस्तों आगे देखेंगे ज्वार के मुक्त परागित प्रजाति के आधार बीज के उत्पादन के लिए अलगाव दूरी रखनी चाहिए दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है, 200 मीटर। 32 नंबर का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। और 33 नंबर का दोस्तों मसूर के बीज उत्पादन के लिए बीज दर होती है दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी 40 से 50 किलोग्राम। और 34 नंबर का है दोस्तों बाजरा के संकर बीज उत्पादन करने के लिए A×R लाइन का अनुपात रखा जाता है दोस्तों, तो दोस्तों 34 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी 8:2, ठीक है। और आगे देखेंगे आगे है कटेली किस फसल की आपत्तिजनक खरपतवार है दोस्तों, तो दोस्तों ये सरसों की आपत्तिजनक खरपतवार है, ठीक है। 35 नंबर का सही उत्तर हुआ आपका ऑप्शन डी। और आगे है 36 नंबर में बीज प्रमाणीकरण का कार्य किया जाता है दोस्तों, किसके द्वारा किया जाता है, तो 36 नंबर का सही उत्तर हुआ आपका ऑप्शन ए, यानी बीज प्रमाणीकरण संस्था के द्वारा। और आगे देखेंगे दोस्तों 37 नंबर में, और दोस्तों आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये है जिन छात्रों को, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर दोस्तों बीएससी एग्रीकल्चर के जो आपका फोर्थ सेमेस्टर है या सेकंड सेमेस्टर, सभी के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाले जाते हैं जो कि पेपर में फंसने की संभावना रहती है। और दोस्तों मैंने जो बताया था उससे 4-5 प्रश्न फंसे भी हैं, केवल 30 प्रश्नों में 5 प्रश्न फंसे हैं। तो आप लोग ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और PDF आपको फ्री में मिल जाएगा। इसके लिए भी आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका जो ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं 37 नंबर में बीज प्रमाणीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है दोस्तों 37 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी बीज की उच्च गुणवत्ता का नियंत्रण करना, ठीक है। और 38 नंबर में है बीज कानून प्रभावी हुआ था दोस्तों, कब हुआ था, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी दिसंबर 1966 में। और आगे है एच बी वन शंकर है किसका दोस्तों, ये बाजरा का, ठीक है दोस्तों, यानी 39 नंबर का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी, ठीक है। 39 बताएगा। और दोस्तों 40 नंबर में प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिय पदार्थ माना जाता है दोस्तों, तो हम लोग देखेंगे तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 40 नंबर का ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी, ठीक है। अब उपयुक्त सभी आप लोग पढ़ते रहिएगा, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और आगे है प्रमाणिक बीज संतति है, किसका संतति है दोस्तों, 41 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी आधार बीज, ठीक है। और आगे है 42 नंबर में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई दोस्तों मैंने कल इस प्रश्न को बताया था और ये प्रश्न आया भी है, इसलिए बोलता हूँ कि आप लोग वीडियो को देखा करिए, ठीक है। तो जो कल पेपर होने वाला है दोस्तों उसका भी वीडियो चैनल पे अपलोड किया जा चुका है, प्रॉब्लमेटिक सोयल वाला, तो आप लोग प्लीज़ उसको देख लीजिए। और तो 43 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी 1963 ईस्वी में। और आगे है 43 नंबर में निम्नलिखित में से किसमें संकर बीज उत्पादन करने के लिए 2 लाइन विधि का उपयोग किया जाता है दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी मक्का में किया जाता है। और आगे है 44 नंबर में गेहूं का बीज उत्पादन करने के लिए संस्तुत बीज दर है दोस्तों क्या है, इसका सही उत्तर होगा 44 नंबर का ऑप्शन डी, यानी 85 से 100 किलोग्राम। और आगे है निम्नलिखित में से
किस वर्ग के बीज को भारत में नहीं उगाया जाता है दोस्तों? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका 45 का ऑप्शन सी, यानी पंजीकृत बीज को भारत में नहीं उगाया जाता। और दोस्तों आगे है 46 नंबर में, वानस्पतिक विज्ञान की दृष्टि से बीज क्या है दोस्तों? परिपक्व अंडाशय है, ठीक है, मैंने इसको कल बताया था और ये प्रश्न आया है तो आप लोग ध्यान दीजिए। 46 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। और देखेंगे 47 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन से बीज के भाग हैं दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी, ठीक है। और 48 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विबीजपत्री भ्रूणपोषी बीज है दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी मटर, ठीक है। 48 का ऑप्शन ए सही उत्तर हुआ। और 49 का दोस्तों, एक बीजपत्री बीजों में बीज पत्र की समतुल्य संरचना है दोस्तों क्या है? इसका भी सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी स्पुटेलम। और दोस्तों आगे है 50 नंबर में, दोस्तों 50 नंबर प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि आप लोग प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और PDF प्राप्त कर लें वहाँ से। और जितने भी दोस्तों वीडियो डाले जा रहे हैं आप लोग प्लीज़ उसको देखा करिए, क्योंकि पेपर में उसे बहुत सारे प्रश्न फंसते हैं, ठीक है। तो 50 नंबर को भी देखते हैं। और 50 नंबर में क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में प्रजाति के ह्रास का अनुवांशिक कारण है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कृत्रिम संकरण, ठीक है। और दोस्तों 51 नंबर देखेंगे, इसमें है कृत्रिम संकरण अनुवांशिक संदूषक एवं प्रजातीय ह्रास का एक मुख्य स्रोत है दोस्तों? 51 नंबर का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी ए एवं बी दोनों, स्वपरागित फसलों में परपरागित फसलों में, ठीक है। और आगे है 52 नंबर में, बीज उत्पादन के दौरान अलगाव दूरी से हम खाली स्थान संरक्षित रखते हैं दोस्तों? क्या संरक्षित रखते हैं? अनुवांशिक शुद्धता, ठीक है, यानी 52 नंबर का ऑप्शन सी सही उत्तर हुआ। और आगे है, किसी प्रजाति की अनुवांशिक शुद्धता की जांच करने के लिए खेत स्तर पर कौन सी परीक्षण किया जाता है दोस्तों? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी ग्रो आउट परीक्षण, ग्रो आउट टेस्ट, ठीक है। और दोस्तों आगे है 54 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा गुणतापूर्ण बीज है दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका 54 नंबर का ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी जो बीज हैं क्या है? प्रजनक बीज, आधार बीज, प्रमाणित बीज, अभी क्या है दोस्तों? सबके सब ये आपका गुणतापूर्ण बीज हैं। और आगे देखेंगे दोस्तों, और 5-6 प्रश्न बाकी है तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को झट से लाइक कर दीजिए। तो 55 नंबर प्रश्न को देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसके बीज उत्पादन का निरीक्षण एक मॉनिटरिंग टीम के द्वारा किया जाता है दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी प्रजनक बीज, ठीक है। और 55 का ऑप्शन ए सही उत्तर हुआ। और आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके अनुवांशिक शुद्धता की गारंटी नहीं होती है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी ट्रूथफुल लेबल्ड सीड का, ठीक है, इसका अनुवांशिक शुद्धता की कोई गारंटी नहीं होता। और आगे है 57 नंबर में, मक्का की फसल के एक बीज ढेर का आकार कितना होता है दोस्तों? 40,000 किलोग्राम, ठीक है, इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, ठीक है। और आगे है 58 नंबर में, सभी गुणतापूर्ण परीक्षण किए जाते हैं दोस्तों किसमें किए जाते हैं? इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, यानी ऑफिशियल नमूना पर, ठीक है। और आगे है आखिरी प्रश्न, और आखिरी के दो प्रश्न बचे हैं तो इसको भी ध्यान से देख लीजिए, वह टूटे हुए बीज जिनका आकार आधे से अधिक होता है माना जाता है दोस्तों? क्या माना जाता है ये दोस्तों आपका है, ये आप लोग इसको अक्रिय पदार्थ के रूप में मान सकते हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये जो होता है ये अक्रिय पदार्थ, इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 59 नंबर का। और जो 60 नंबर में है, निम्नलिखित में अड़ियल बीज का उदाहरण है दोस्तों अड़ियल बीज का उदाहरण नरियल है, ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 60 नंबर का। दोस्तों वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय किसान और जय कृषि विज्ञान।